हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वीजे की स्वीटो। सो हम लोग जा रहे हैं मार्केट। मार्केट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आज है विकास भैया का बर्थडे। जो लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारी लाइफ में डेली आते हैं, उन्हें पता है कि विकास भैया कौन है। दो दिन पहले ही विकास भैया और वीजे दोनों बहुत बुरी तरह से दोनों लड़कियों से हारे थे गेम्स में। सो हम लोग विनर थे उस दिन। सो आप लोग विकास भैया को जानते ही होंगे। सो हम यहाँ कर रहे हैं बर्थडे की तैयारी और यहाँ पर हम आ गए हैं बर्थडे का सामान लेने। यहाँ गाइस सारा सामान मिल गया था हमें, काफ़ी अच्छी शॉप है ये, यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है। सो अब हमने यहाँ पर सामान ले लिया है। सामान के बाद हम तैयारी करेंगे डेकोरेशन के लिए। देखिए इतना सारा सामान हमने यहाँ पर सामान लिया है। यहाँ पर भाभी अपने घर पर बात कर रही है। सर फैक्चर आ रहा है हमारा। कितना प्यारा लग रहा है ये देखिए। यहाँ पर बैलून्स इतने प्यारे लग रहे थे ना कि हम लोग इसमें खेलने लग गए थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ डेकोरेशन की तैयारी स्टार्ट की क्योंकि टाइम बहुत कम था और काम बहुत ज़्यादा था। सो देखिए गाइस, बताना आप लोग डेकोरेशन कैसी लग रही है, हम लोग लास्ट में दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, भैया को बिल्कुल पता नहीं है कि उनके बर्थडे के लिए हम ये सब कर रहे हैं। सो देखिए हमने केक तैयार कर लिया है और मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने बर्थडे की तैयारी कैसे की है। सो अभी उन्हें हम लेके आ रहे हैं और हमने यहाँ लाइट वाइट सब बंद कर दी। फ्रेंड्स, भैया को बिल्कुल भी नहीं पता है कि उनके लिए यहाँ पर सरप्राइज़ पार्टी रखी गई है। उन्हें लग रहा है कि उनके घर पे पार्टी है। सो वो ऑफिस से घर जा रहे हैं, बट मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं भी साथ में चलूँगा, थोड़ी देर मेरे घर चलो, वहाँ से कपड़े चेंज करते हैं फिर चलते हैं। हैप्पी बर्थडे भैया। लाइट जा रहा है। हाँ सही। कैसा लगा सरप्राइज? कैसा लगा? मैं भी लाइट जलाई दो। ये हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसी लगी आपको डेकोरेशन? देखो तो आज मेरा हैप्पी बर्थडे है और मैं बहुत अच्छी लगी डेकोरेशन क्योंकि आज हैप्पी बर्थडे वाले दिन मुझे एक बड़ा सरप्राइज मिला है। तो बाय तुम्हें छोटे छोटे खिलाए फूट गया तो। सो गाइस, ये हमारी मेहनत देखिए कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये है हमारी केक की टेबल। तो ये भाभी ने गिफ्ट दिया है और भैया गिफ्ट खोल रहे हैं, देखते हैं इसमें क्या है। अनबॉक्सिंग किया जा रहा है। तो देखते हैं। वाह, कुछ निकला इसमें। तो क्या? कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक। ये है वॉच, स्मार्ट वॉच, नॉइस की स्मार्ट वॉच। प्रो फोर। बहुत सारे। तो देखिए स्मार्ट वॉच आ चुकी है, बहुत ही स्मार्ट लग रही है वॉच, और इसको पहन के अपना भाई और भी स्मार्ट लगेगा। हाँ
सो ये गिफ्ट भैया की साली साहिबा जी ने दिया है, जो कि उन्हें परेशान करना चाहती थी। उन्होंने इतना रैप करवा दिया है गिफ्ट को कि उनसे खुल ही नहीं रहा था। लेकिन उसके अंदर क्या रखा है आप खुद ही देख लीजिए। हो चुकी है पिज्जा पार्टी। सो पिज्जा एंड कोक है यहाँ पे। भाई का बर्थडे है लेकिन पिज्जा सब खाएंगे। सो भाई ने हाथ हिला दिया है कि अभी जाएं खाना ही दे पहले, क्योंकि बहुत देर से हमें भूख भी लग। बहुत बढ़िया। सो पिज्जा परोसा जाएगा अभी। देखिए आप, पिज्जा यहाँ पे बनाया जा रहा है, अभी यहाँ पे परोसा जाएगा। सो सब आप सब भी रेडी हो जाइए, टेस्ट करिए हमारे संग पिज्जा। सो आते हैं हम लोग थोड़ी देर में खत्म करके। सो कोक का पहला शॉट यहाँ पे स्टार्ट है। चीयर्स। सो बहुत देर से इंतजार था, बहुत देर से भूख लग रही थी सारे एक्टिविटीज करने के बाद खाने की, तो फाइनली खाना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। सो गाइस खाते खाते एक बार हाय बोल दें एंड सबको खाना खिलाएं। सो भाई आपकी थाल तो बहुत टेस्टी लग रही है। सो छप्पन भोग इनके बर्थडे में तैयार किए गए, इन दोनों ने अपने हाथों से बनाए हैं और कुछ सामान खास भी मंगाया गया है। सो चलिए हम लोग खाना खाते हैं। आप लोग भी खाइए, टेस्टी बनाए, इन्जॉय कीजिए और हम लोग भी खा के फिर वापस आते हैं। यहाँ दिन पूरा होता है, बर्थडे पार्टी खत्म होती है और सब जा रहे हैं अपने अपने घर। सो रात के 12 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। सो नेक्स्ट डे ही हम लोग जा रहे हैं। सो गुड नाइट, टेक केयर, हैप्पी बर्थडे भाई को एक बार फिर से। हैप्पी बर्थडे।